ओके सो आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैं इतना नर्वस हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही नर्वस हूँ। सोला के स्वागत है सबका मेरे चैनल पे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक, और ये रही बैग। ये रहा बैग के अंदर थोड़ा सा कपड़ा मैंने डाल के रखा है, बिकॉज टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे, वी आर गेटिंग अ न्यू पेट डॉग। वाह, मेरी जिद है, एक्चुअली मेरी जिद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है डॉग्स। बचपन से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कब लूँगा, कब ले पाऊँगा, कब मैं ओन कर पाऊँगा। कभी नहीं हुआ है। आज वो दिन आ गया है, जिस मतलब ये 15-20 दिन से मेरा चालू है, इनफैक्ट 1-2 सालों से शुरू है, बट राइट टाइम का वेट कर रहे थे अपन। आई थिंक दिस इज़ राइट टाइम, अपने प्लान के हिसाब से बराबर जा रहा है सब कुछ। लकीली जो हमको ब्रीड चाहिए, जो डॉग चाहिए, वैसे तो सब ब्रीड्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन जो मुझे पसंद है, जो हम दोनों को पसंद है बेसिकली, और लकीली जो कलर वो ब्रीड का हमको चाहिए वो भी है, ऑलमोस्ट कुछ 47 डेज का है, तो सोचा कि चलो ले आते हैं। ठाकुरायन जी, अनफॉर्चुनेटली देखो ना सिचुएशन तो देखो यार, कि इतना पेट आ रहा है एंड ठाकुरायन जी आ नहीं है। ठीक है, कुछ दिनों में आ जाएगी, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बहुत उसको लगा होगा तो आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन कैसे डॉग्स का कुछ बोल नहीं सकते। कुछ दिनों पहले मैंने एक शॉर्टलिस्ट करके रखा था, 2 दिन में उन्होंने वो किसी को कोई आके वो ले गया। कुछ 10-15 दिन पहले भी एक मस्त पपी, बहुत ही हेल्दी क्यूट पपी था, लेकिन वो चला गया। तो एनीवेज अभी ये चांस मुझे गंवाना नहीं है, फिर और रुकना पड़ेगा, फिर पता नहीं कब। और थोड़ा खुजली भी हो गई है यार, अभी क्या करें यार। तो थोड़ा सा नर्वसनेस की वजह से मैं थोड़ा हड़बड़ा रहा हूँ, शायद नर्वस तो हूँ, बिकॉज लाइफ विल चेंज। चलो ठीक है, चलो साथ में, आप ही देख लो और आपको अपनी लाइफ भी आगे की दिखी जाएगी। इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है, फॉर गुड ऑल्सो फॉर बैड ऑल्सो, लेकिन अपन गुड ज़्यादा देखेंगे, बस गुड ज़्यादा है। चलो फाइन, लेट्स डू दिस। सीरियसली गाइज, ऐसा धक धक हो रहा है मुझे, धक धक, क्योंकि मुझे पता है वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो 12-14 साल तक रहने वाली है, फैमिली मेम्बर की तरह होने वाला है। मतलब मैं खुश भी हूँ और मैं थोड़ा सा टेंशन में भी हूँ। टेंशन तो ऑब्वियसली आएगा गाइज, बिकॉज पर्सनल लेवल पे पेट मैंने कभी ओन नहीं किया है, मेरी इच्छा बहुत थी। लेकिन तो स्ट्रीट डॉग अपन ने अकोला में अपने आंगन में पाला है, लेकिन वो कैसा, अपने मन मर्जी का रहता है, बाहर जाता है, कुछ भी खा के वापस आता है, बस यहाँ पे सोता है, कभी हम खाने को देते हैं, तो वो उसको ऐसा पेट नहीं बोल सकते। पेट जो है वो भाई बहुत बड़ी बात है। आप लोग में से किसके पास पेट है, पेट डॉग, प्लीज़ मुझे बताइए, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी। और नया नया जो पपी है 2 महीने का, उसको क्या खिलाना चाहिए। वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस देखा है, लेकिन इतना कुछ मुझे आइडिया है नहीं उसको क्या देना चाहिए, डीवॉर्मिंग, मल्टीविटामिन, ये वो क्या क्या जो भी है, कौन सा फूड अच्छा है, तो वो प्लीज़ कमेंट करके आप बताओ। मुझे बहुत हेल्प होगी, और मुझे हेल्प की आपकी ज़रूरत पड़ेगी आने वाले काफ़ी महीनों तक। अपन आ गए हैं नवी मुंबई, अभी मैं वेट करूँगा यहाँ पे, तो अभी वेट करेंगे जो पर्सन से हम ले रहे हैं, इज कमिंग, तो पपी दिखाएगा। वैसे तो हर डॉग होता है, मैं सोच रहा था कि अडॉप्ट कर लूँ, लेकिन इंडियन डॉग, लेकिन हमको बड़े डॉग्स नहीं चाहिए, वी डोंट वांट, बिकॉज छोटे से फ्लैट में बड़े डॉग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, बड़े डॉग को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, एक्सरसाइज चाहिए। वैसे तो रहने के लिए तो रह जाते हैं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के पास बचपन से डॉग्स है, उन्होंने रिकमेंड किया भाई छोटा लेगा तो बेटर है तेरे लिए, फिर ट्रैवलिंग में भी काम आएगा, कार में भी आराम से बैठ जाएगा, तो उसी लिए डॉक्शन ये ब्रीड का डॉग हम देख रहे हैं। काफ़ी लोगों को शायद पता नहीं होगा, देख लेना आप, लिमोजिन डॉग बोलते हैं पंजाब में, हॉट डॉग भी बोलते हैं काफ़ी लोग। ऐसे नर्वसनेस अभी तक गई नहीं है, पता नहीं क्यों यार, ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब ठीक है चलो। चलो तो 1 घंटे के डिस्कशन के बाद ही इज़ कमिंग होम। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एंड ये लोगों ने काफ़ी हेल्प किया है अपनी। अपना वैक्सीनेशन भी हो गया, बाय द वे इज़ अ डॉक्टर, वैक्सीनेशन इज़ डन,
फूड अपन ने ये खरीदा है रिकमेंडेड बाय देम। डन, थैंक यू, थैंक यू। तो घर जाते जाते इसने मेरे नाक में दम कर दिया था। अभी कहाँ ये जाके शांत बैठा है, उसको एक्चुअली नींद आई है, अभी बैठा है, नहीं तो यहाँ पे आ रहा था, नीचे गिर गया, ये इधर गेयर बॉक्स को खा रहा था। पर ठीक है, हमारा नया बच्चा है तो इतना तो सह लेंगे हम, इसको तो बड़े नाजो से पालेंगे अपन। नर्वसनेस अभी थोड़ा कम हो गया, अभी अभी ऐसा हो गया कि अभी ले लिया ना भाई हमने, तो अभी कुछ भी करके अपन को इसको रेस करने का, लाइक का चाइल्ड, अपना ही बच्चा है, बस करेंगे करेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे इसका। अब उस हिसाब से अपनी लाइफ भी शायद थोड़ी सी मॉडिफाई होगी, तो उस हिसाब से अब काफ़ी चेंजेस आने वाले लाइफ में, अच्छे अच्छे चेंजेस भी आएंगे, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, लेकिन ठीक है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट इट, चलते रहेगा। बट डॉग ओन करने का मेरा जो ड्रीम था वो आज पूरा हो गया है। देखो इतना प्यार से सोया यार, बहुत ही अच्छा बच्चा है यार ये, मतलब उसको बोला तो थोड़ा समझता है, उसको उड़ी मार रहा है, आंखें आ रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे बाहर देख रहा था, बहुत खुश, बहुत खुश। ये अपना जो खाने का उसको टेम्परेरी मैंने बर्तन दिया हुआ है, ये पूरा लेके घूमते रहता है, दिन भर घर में घूमते रहता है खाना खाने के बाद। तो कितना भी खाना तो खाते रहता है, बट ज़्यादा मैं दे नहीं रहा हूँ, जितना मुझे बोला गया मैं उतना ही दे रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो यहाँ बैठेगा, मैं अगर किचन में जाता तो मेरे पीछे पीछे आएगा। देखो क्यूट, ले। चलो अभी ऑफिस का थोड़ा काम किया है, और ये देखो भाई साहब हमारे किधर सोए हैं, देखो घोड़े बेच के सो जाता है, लेकिन मैं अगर उड़ गया तो ये घोड़ों को वापस ले लेता है, मतलब बेचे हुए घोड़े वापस खरीद लेता है और मेरे पीछे पीछे आ जाता है। दोपहर का खाना खा के सो चुका है, तो जब से मैंने इसको लाया तब से ये चार काम करता है, सिर्फ चार काम, खाता है, खेलता है, पोटी करता है, सो जाता है, फिर खाता है, खेलता है, पोटी करता है, सो जाता है, तो ये चलते रहता है। टॉकिंग अबाउट द ब्रेक, तो मैंने सोचा था कि मैं 4-5 दिन का ब्रेक लूँगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ठकुराइन जी को थोड़ा 2-4 दिन और लग जाएंगे आने के लिए, और तब तक मुझे वेट करना बहुत ही ज़्यादा ये हो रहा था कि कब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ऐसा हो रहा था मुझे। आई वॉन्टेड टू एक्चुअली शेयर दिस विथ ठकुराइन जी, लेकिन फॉर सम रीज़न वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में वो आ ही जाएगी, तो फिर तभी आपको दिख जाएगा। तो एक्चुअली प्लान ये था कि मैं उसको और आपको एक साथ सरप्राइज़ देने वाला था, उसको एक दिन, मतलब एक दिन पहले जब वो आएगी डायरेक्टली दरवाज़ा खोलेगी और डॉग देखेगी तो मज़ा आ जाता, लेकिन कोई नहीं, वो रिएक्शन अपन बाद में कैप्चर कर लेंगे। फ़र्क इतना रहेगा कि उसको पता है कि पपी घर में आ चुका है, बट अभी तक वो मिली नहीं, और आपको सरप्राइज़ तो देना ही था दोनों मिलके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको और टाइम लग सकता है, आई एम नॉट श्योर कितना दिन लग सकता है, तब तक मैं शेयर ना करूँ ये मुझे थोड़ा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली मैं बाहर भी नहीं ज़्यादा जा पा रहा हूँ। वाई? बिकॉज़ पप्पी घर पे और कोई है नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट आधे घंटे तक बाहर जाता हूँ, और वो रह लेता है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। सिर्फ पहले 2 दिन उसने थोड़ा सा तकलीफ़ दिया, लेकिन अभी मैं अगर बाहर जाता हूँ तो वो कुछ ज़्यादा करता है, दरवाज़े के पास बैठता है थोड़ी देर, फिर खेलता है, टाइम पास करता है, और फिर मैं आता हूँ तो दरवाजे के बाहर मुझे मिल जाता है, भाग के आ जाता है। तो वेरी क्यूट, अच्छा बच्चा है, शांत बच्चा है, उसका नाम भी रखना है, अभी देखते हैं नाम क्या रखे। वैसे एक दो नाम हमने शॉर्टलिस्ट करके रखे, आप कमेंट करके बताइए क्या नाम लिए। ब्रीड जो है वो डॉक्शन है, ये थोड़े हाइट में कम होते हैं, फ्लैट के हिसाब से बहुत सही है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सही है। इसका वैक्सीनेशन अभी आएगा, 1 दे दिया है, अभी 15-20 दिन में एक आएगा, जब डॉग लिया तभी 1 दे दिया था एक्चुअली। तो बस ये सरप्राइज़ ये वीडियो में खुल चुका है, आई होप यू गाइज लाइक दिस सरप्राइज़। काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, काफ़ी सारे, आई एम वेरी श्योर, आप कमेंट करके मुझे बताएं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अभी आपने डॉग लिए तो आप ट्रैवलिंग कैसे करोगे, तो जो भी आपके क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर लो, आई एम गोइंग टू आंसर इट इन फ्यूचर व्लॉग्स। अभी हमारे जो गैंग में, हमारे जो फैमिली में नया मेम्बर आ चुका है, क्यूट सा, उसको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ा करना है, हेल्दी करना है, और उसको लंबी लाइफ देना है। मेरे बरसों पुराना, मेरा बचपन का सपना
पूरा हो गया। नो 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 भी बेचारा जल्दी सीख गया, उसको समझ गया कि नो नो नो, और टॉयलेट थोड़ा कर लेता है घर में, अभी बच्चा है यार, अभी ठीक है तब जो साफ करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं, उसका ख्याल रखना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आई होप आपको ये जो कैरेक्टर है हमारे आने वाले काफ़ी सालों में आपको और मज़ा देते रहेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप आपको अच्छा लगे। डू इट द लाइक बटन फॉर दिस डॉग, दिस पपी। एनीवेज डू इट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू चैनल अगर आप नए हो। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। एंड अभी व्लॉग्स आ जाएंगे, थोड़ा एक दिन या दो दिन के गैप में आ जाएंगे, और फिर अपन रेगुलराइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है एक्चुअली। ठाकुरन जी घर पे नहीं है तो सब मुझे घर का संभालना पड़ता है, इसको भी संभालना पड़ता है, ऑफिस का काम ये वो। ठाकुरन जी एक बार आ गई, इसके बाद फिर कैसे घर पे कोई रहेगा तो फिर मैं मेरे काम बाहर जाके कर सकता हूँ। तो ऐसा है, आ जाएगी कुछ दिनों में, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो जो आप देखोगे शायद तब तक आ गई होगी या फिर उसके बाद आ गई होगी, देखते हैं, लेट्स सी। कमेंट करके बताइए अगर आपके पास पेट है क्या, आप क्या क्या हेल्थ केयर करते हो, मुझे थोड़ा सा ज्ञान दो, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। एंड नाम ज़रूर सजेस्ट करना, मिलते हैं।